नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बेनामी संपत्ति पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत दर्ज किए 230 केस, करीब 55 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की। देश में जल्द बनाया जा सकता है बैंक। आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का बयान, कर्ज में डूबे बैंकों और कंपनियों के लिए बनाए जाए बैड बैंक, आरबीआई से चल रही है बात। नोट बैन के दौरान कैश में लोन पेमेंट करने वालों की बढ़ेगी मुश्किल, पकड़े जाने पर लगेगी 100% पेनल्टी, आईटी विभाग ने अधिकारियों को दिया आदेश। आर्थिक गतिविधियों में आ सकती है तेजी, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का बयान, नए नोट चलन में आने के बाद चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही को हो सकता है इजाफा। सरकार नहीं लाएगी 1000 रुपए के नए नोट, आर्थिक मामलों के सचिव का बयान, कहा सरकार का फोकस नोटों की कमी दूर करने पर। दिल्ली में एसबीआई के एटीएम से निकले बच्चों के खेलने वाले 2000 का नकली नोट, नोट पर लिखा है भारतीय मनोरंजन बैंक, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिव्येंदु मजूमदार पर करप्शन का केस, सीबीआई ने 3 और लोगों के खिलाफ भी दर्ज किया मामला, 6 जगह की छापेमारी। सिजेरियन डिलीवरी को लेकर केंद्र सरकार सख्त, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा सिजेरियन डिलीवरी पर अब होगी जांच। आतंकी मसूद अजहर पर चीन ने भारत से मांगे सबूत, विदेश सचिव जयशंकर ने दिया जवाब, कहा सबूत देना भारत का दायित्व नहीं, कहा आतंकी गतिविधियों से भरे हुए हैं दस्तावेज। भारत और चीन के बीच पहली रणनीतिक बातचीत, भारत ने एनएसजी पर समर्थन और मसूद अजहर पर बैन का उठाया मुद्दा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को कोर्ट से झटका, अदालत ने रद्द किए मसर्रत की जमानत के आदेश। कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, तारीगाम में सुरक्षा बलों पर किया पथराव, भीड़ को हटाने के लिए दागने पड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली में एआईएसए और एबीवीपी छात्रों के बीच झड़प, रामजस कॉलेज में जेएनयू छात्र उमर खालिद का कार्यक्रम रद्द होने पर विरोध। दिल्ली के मॉरिस नगर में एक बार फिर भिड़े एबीवीपी और एआईएसए के छात्र, पुलिस स्टेशन के बाहर हुई झड़प, पुलिस ने छात्रों को हटाया, कई छात्रों को चोट लगी। यूपी में चौथे राउंड के लिए मतदान कल, 12 जिलों की 53 सीटों पर होगी वोटिंग, 680 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। यूपी के सीएम अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बताया मजबूरी, कहा परिवार में झगड़े की वजह से कांग्रेस से किया गठबंधन। यूपी में गठबंधन को लेकर अखिलेश की कांग्रेस को 2-2, कहा गठबंधन के लिए चाहिए बड़ा दिल, लालच किया तो आखिरी समझौता होगा। बीएसपी ने पूछा मजबूरी के गठबंधन पर भरोसा क्यों करे जनता, सुधींद्र भदौरिया ने राहुल और अखिलेश को अपशब्द कहे। यूपी के बहराइच में अखिलेश ने केंद्र सरकार से मांगा नोट बैन पर जवाब, पूछा काला धन, करप्शन और आतंकवाद में कितनी कमी आई, आंकड़े बताए सरकार। यूपी चुनाव में फिर उछला गधों का मुद्दा, बहराइच की रैली में बोले अखिलेश, मेरी गधों में दिलचस्पी नहीं, मन की बात नहीं, काम की बात करें पीएम। अखिलेश के गधे वाले बयान का वाराणसी में विरोध, कनौजिया समाज ने लगाए पोस्टर, कहा सीएम ने मां शीतला की सवारी का अपमान किया। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव का पलटवार, कहा परिवार और पार्टी का झगड़ा सुलझाने की जिम्मेदारी अखिलेश की थी। शिवपाल यादव का बड़ा आरोप, कुछ लोगों के इशारे पर जसवंत नगर में डीएम एसएसपी ने करवाया लाठीचार्ज, मुझे हराने की रची गई साजिश। सोनिया गांधी ने अमेठी रायबरेली के लोगों को चिट्ठी लिखकर की कांग्रेस को जिताने की अपील, चिट्ठी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का एक बार भी जिक्र नहीं। गोरखपुर में अमित शाह का कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर हमला, कहा यूपी से कसाब को हटाना है। यूपी के सुल्तानपुर में विरोधियों पर बरसे अमित शाह, कहा चुनाव के बाद नहीं होगा बीएसपी से गठबंधन, सीएम उम्मीदवार घोषित न करना बीजेपी की रणनीति। सुल्तानपुर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अखिलेश सरकार के कामों पर ली चुटकी, कहा बिजली नहीं आती लेकिन बिल जरूर आता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का अखिलेश पर आरोप, धर्म के आधार पर दे रहे हैं बिजली, बनारस में 8 घंटे कटती है बिजली। फैजाबाद में मायावती ने बीजेपी को बताया भारतीय जुमला पार्टी, मायावती ने चला मुस्लिम कार्ड, कहा एक दूसरे को हराने में लगे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, न दे वोट। दिल्ली हाईकोर्ट में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पेरोल पर फैसला रखा सुरक्षित, चुनाव आयोग ने पेरोल के खिलाफ दायर की थी याचिका। पीएम पर लालू के बेटे के बयान को लेकर बीजेपी ने जताई नाराजगी, वेंकैया बोले पूर्व सीएम से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं। लालू यादव के पक्ष में आई जेडीयू, पवन वर्मा बोले चुनाव में सभी नेता बोल रहे हैं ऐसी भाषा, मोदी भी भूल चुके हैं पीएम पद की गरिमा। बिहार विधानसभा में बीजेपी उठाएगी सेक्स रैकेट का मुद्दा, सेक्स रैकेट में फंसे कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे का इस्तीफा मंजूर, निखिल के खिलाफ जारी हो सकता है रेड कॉर्नर नोटिस। इंदौर में बीजेपी सांसद वरुण गांधी का अपनी ही सरकार पर हमला, कहा दलित और अल्पसंख्यकों के विकास में रहे नाकाम, रोहित वेमुला के सुसाइड नोट को पढ़कर आया रोना। गंगा की सफाई के लिए उमा भारती का प्रण, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा गंगा को स्वच्छ बनाने में वक्त लगेगा।
पलनीसामी के विश्वास मत के खिलाफ डीएमके की भूख हड़ताल। तमिलनाडु के सभी जिलों में भूख हड़ताल पर बैठे नेता। विश्वास मत के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में 27 फरवरी को सुनवाई। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने तिरुमाला मंदिर में चढ़ाए 5 करोड़ के गहने। कहा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों की भलाई के लिए मांगी दुआएं। 5 करोड़ का सोना चढ़ाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा भगवान की आड़ में दंडनीय अपराध कर रहे हैं तेलंगाना के सीएम। केरल के कोच्चि में बीजेपी नेताओं की भूख हड़ताल। केरल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आईजी ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल। कोलकाता में प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर बरसी ममता बनर्जी। लाच में लापरवाही, ज्यादा बिल बनाने और सरकारी ऑर्डर न मानने पर फटकार लगाई। कलिको पुल के सुसाइड नोट मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कलिको की पत्नी ने चीफ जस्टिस को लिखी थी चिट्ठी। कलिको ने सुप्रीम कोर्ट के जजों, मंत्रियों और नेताओं पर लगाया था रिश्वत का आरोप। देश भर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर औद्योगिक यूनिट्स की पावर सप्लाई बंद करने का आदेश। SYL विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नहर बनाने के दिए आदेश। हरियाणा 2 मार्च को रखेगा अपना पक्ष। यूपी में 72,825 सहायक टीचर्स की भर्ती रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील। परीक्षा में धांधली का आरोप। दिल्ली नर्सरी एडमिशन पर 27 फरवरी को आएगा कोर्ट का फैसला। सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। हाईटेक सुविधाओं वाली अंत्योदय एक्सप्रेस चलने के लिए तैयार। एक्सप्रेस ट्रेन के सभी 20 कोच जनरल। हर कोच में RO वाटर, बायो टॉयलेट, गद्दे वाली सीटें होंगी। गाजियाबाद के फर्जी भोजपुर एनकाउंटर केस में सजा का ऐलान। प्रमोशन के लिए मर्डर करने के दोषी 4 पुलिस वालों को उम्र कैद। यूपी के शामली में झूठी शान की बेटी और उसके प्रेमी को मारी गई गोली। दोनों की हालत गंभीर। लड़की के परिवार वाले फरार। यूपी के बागपत में वन विभाग के कर्मचारियों ने वसूली के दौरान ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। 2,000 रुपए और गाड़ी के दस्तावेज छीने। यूपी के उन्नाव में 4 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर की लूटपाट। विरोध करने पर घर वालों पर चाकुओं से हमला। 60,000 रुपए और जेवरात लेकर फरार। यूपी के कौशाम्बी में शिवगंगा एक्सप्रेस की बोगी नंबर S8 में लगी आग। रेल यातायात प्रभावित। आग पर पाया गया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में घने कोहरे की वजह से 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। कई लोग हुए घायल। यूपी के संभल में बारातियों ने जमकर की फायरिंग। एक युवक को गोली लगी। हालत नाजुक। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद। मथुरा में मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुई। खुलेआम राइफल लेकर धमकाने की तस्वीरें। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नकली नोट गिरोह का किया पर्दाफाश। सरगना पटना से गिरफ्तार। 6 लाख के जाली नोट बरामद। दिल्ली पुलिस ने 3 किलो हेरोइन के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 12 करोड़ की हेरोइन मणिपुर से लाया गया था दिल्ली में। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 3 ठग। अब तक 300 लोगों को बना चुका है शिकार। ATM कार्ड बदलकर अकाउंट से निकालता था पैसे। दिल्ली के राजौरी गार्डन के मोबाइल स्टोर में हंगामे का वीडियो वायरल। 3 महिलाओं ने की मारपीट और तोड़फोड़। दिल्ली के स्कूलों में लगाया गया रेड बॉक्स। इसके जरिए बच्चे खेल खेल में कर सकेंगे पढ़ाई। गुजरात के राजकोट में दबंगों ने दुकानदार की जमकर की पिटाई। कोल्ड ड्रिंक्स के पैसे मांगने पर भड़के बदमाश। तमाशबीन बने रहे लोग। गुजरात के राजकोट में स्पा मालिक से 5 लाख की मांगी गई रंगदारी। इनकार करने पर दबंगों का हमला। स्पा मालिक गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 7 नक्सली मारे गए। मारे गए सभी नक्सलियों पर था इनाम। शिवराज सरकार के खिलाफ भोपाल में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। मोहन प्रकाश, कमलनाथ और अरुण यादव समेत पार्टी के कई दिग्गज शामिल। इंदौर में नया पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू। सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान और जनरल वीके सिंह ने किया उद्घाटन। पासपोर्ट सेंटर बनने से लोगों को मिलेगी राहत। जयपुर में हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी। वेतन नहीं मिलने से हैं नाराज। हड़ताल के बाद नगर निगम प्रशासन के हाथ पांव फूले। बूंदी में रिश्वतखोरों पर CBI की बड़ी कार्रवाई। BSNL के JTO से STO और AGM को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। ठेकेदार का बिल पास करने की एवज में ले रहे थे रिश्वत। जम्मू श्रीनगर हाईवे के नगरोटा टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक ने एक शख्स को कुचला। 2 कार को आधे किलोमीटर तक घसीटा। केरल पुलिस को कपल को परेशान करना पड़ा भारी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वीडियो वायरल हुआ। केरल के कोझिकोड में कालीकट बाजार में लगी आग। 8 दुकानें चपेट में। 10 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। हैदराबाद के कूरल गोदाम में लगी आग से 6 मजदूरों की मौत। काम करते लोगों को गोदाम में बंद कर घर चला गया था मालिक। पुलिस ने मालिक को हिरासत में लिया। पटना में शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में लगी आग। लाखों का नुकसान हुआ। घंटों मशक्कत के बाद ये आग बुझाई गई। बिहार के दानापुर में महिलाओं ने किया DM और SSP का घेराव। एक कार्यक्रम में पहुंचे थे अधिकारी। महिलाओं ने किया हंगामा। पटना में एक कोचिंग सेंटर में घुसकर 3 मोबाइल और नकदी लेकर फरार। CCTV में चोर की करतूत रिकॉर्ड हुई। तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के अलीपुर में चलती कार में महिला से रेप। खेत में फेंक कर 3 बदमाश फरार हुए।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक महिला टीचर का सुसाइड, दोषियों पर कार्रवाई के लिए लोगों का प्रदर्शन। दबंगों ने पिछले दो सालों से जमीन देने को लेकर दबाव बनाया हुआ था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी, बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल की मां और पत्नी को बेरहमी से हत्या कर वहां से फरार हो गए। एमपी के रतलाम में एक सनकी पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की, आरोपी पति गिरफ्तार। मायके जाने को लेकर पत्नी की पति से हुई थी कहासुनी। एमपी के छतरपुर में चोरों ने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने के बाद उसका रेप किया, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के आरा में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी, बाल बाल बची जान, लेकिन अभी भी हालत नाजुक। लंदन में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन, बलोच प्रदर्शनकारियों ने चीन के इकोनॉमिक कॉरिडोर का किया विरोध, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के खिलाफ लाहौर में प्रदर्शन, हाफिज पर दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग, ख्वाजा ने हाफिज को बताया था पाकिस्तान के लिए खतरा। ब्रिटिश मुस्लिम टीचर की अमेरिका में नो एंट्री, अपराधियों जैसा सलूक करने का लगाया आरोप। रूस ने कार्गो शिप ले जाने वाले रॉकेट का किया प्रक्षेपण, दिसंबर में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से प्रक्षेपण टालना पड़ा था। चीन के मंगोलिया और शांगसी प्रांत में भारी बर्फबारी, विजिबिलिटी घटने से कई एक्सप्रेसवे को बंद किया गया। शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन भी तेजी, सेंसेक्स 103 अंक तक उछला, निफ्टी 19 अंक चढ़कर बंद। 8 साल की ऊंचाई पर रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 मई 2009 के बाद 1200 के पार पहुंचा शेयर। रिलायंस जियो के फ्री टैरिफ प्लान की होगी जांच, टेलीकॉम कमीशन ने दिया आदेश, कहा ट्राई मोबाइल टैरिफ के नियमों को करे लॉन्च। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया स्काइप लाइट, आधार कार्ड से लिंक होगा स्काइप लाइट, EKYC के जरिए होगी चैटिंग। कल से शुरू होगी भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, पुणे में कल से खेला जाएगा पहला टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्लेजिंग पर बोले कप्तान विराट कोहली, हम नहीं करेंगे शुरुआत लेकिन उकसाए जाने पर जरूर देंगे जवाब। कोच अनिल कुंबले की विराट कोहली ने की जमकर तारीफ, बोले कुंबले ने गलतियों से सबक लेना सिखाया। टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम ने जमकर बहाया पसीना, कल पुणे के क्रिकेट स्टेडियम पर पहली बार खेला जाएगा टेस्ट मैच। महेंद्र सिंह धोनी ने 13 साल बाद किया ट्रेन से सफर, विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए रांची के हदिया स्टेशन से कोलकाता तक ट्रेन से गए। IPL 10 के ऑक्शन में खरीदे न जाने पर इरफान पठान ने दुख जताया, ट्विटर पर लिखा करियर की ये बाधा भी जल्द पार कर लूंगा। फिल्म रंगून की स्क्रीनिंग में हंटर लेकर पहुंची कंगना, पत्नी मीरा संग नजर आए शाहिद कपूर।